समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के तले आज अपनी सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 पर जबकि बहुजन समाज पार्टी 38 पर, तो वहीं आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि सपा और बसपा ने किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट देने का मूड बनाया है, मगर सपा बसपा से एक सीट कम पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं मायावती ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल की कई अहम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि सपा ने भी साल 2014 की अपनी सीटों को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की है। यूपी के पश्चिमी हिस्से में सपा ने अहम सीटें अपने खाते में ले ली है, तो वहीं पूर्वी यूपी की आजमगढ़ से लेकर इलाहाबाद, फूलपुर और गोरखपुर जैसी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि साल 2014 के आम चुनावों में एक भी खाता यूपी में ना खोलने वाली बसपा इस बार सपा के सहारे कितनी हुंकार भर पाती है। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।